नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हाँ, दो दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से लकड़ी की तस्करी कर जम्मू कश्मीर प्रदेश के जिला कठुआ से कई तस्कर अब अपना रुख पंजाब की ओर कर चुके हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, आरा एसोसिएशन की ओर से इन गाड़ियों को पकड़ने की एक मुहिम शुरू की गई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन व वन विभाग की आंख खुली और उन्होंने भी बुधवार को तड़के पहाड़पुर क्षेत्र में दो ट्रैक्टरों को जब्त किया, जिसमें लकड़ी तस्करी कर ले जाकर पंजाब की ओर ले जाया जा रहा था। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दो दिन पहले सबका जम्मू कश्मीर समाचार पत्र व न्यूज पोर्टल ने यह खबर दिखाई थी, जिस पर कई सवाल खड़े किए थे कि क्या विभाग कब जागेगा और कब इस पर कार्रवाई करेगा, जिसके बाद खबर लगने के चंद दिनों बाद, दो दिन बाद मैं आपको बता दूं कि इस खबर का असर हुआ और आज तड़के दो ट्रैक्टर पहाड़पुर में, एक ट्रक राजबाग में पुलिस द्वारा पकड़ा गया, जिसके बाद दोपहर होते होते वन विभाग की तरफ से भी कार्रवाई की गई और खोखियाल में स्थानीय लोगों के सहयोग से एक ट्रैक्टर लकड़ से भरा पकड़ा गया, जो किसी भी कागजी कार्रवाई में नहीं गिन था। दूसरा, उसी समय वन विभाग ने दूसरी कार्रवाई करते हुए खोखियाल गांव के साथ लगते कुछ बगीचों में जाकर लकड़ी कटाई को भी रोका, वहां पर भी दर्द बोचने का प्रयास किया, लेकिन लकड़ तस्करों को जब इस बात का पता चला तो वो वहां से फरार थे। हालांकि मौके पर ट्राली में लोड हुई लकड़ी की तस्वीरें सामने जरूर आई हैं। उसके बाद वन विभाग व नगरी स्थानीय पुलिस ने मिलकर इन तस्करों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि एक बड़े व्यापारी का नाम भी सामने आया है इस पूरी मुहिम में। वहीं लगातार इस कार्रवाई के बाद लोगों की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब वन विभाग व पुलिस प्रशासन कितने देर कार्रवाई करता है और कितने दिन लगातार इस तरह कार्रवाई को देखने की तस्वीरें मिलती हैं, क्योंकि लोगों का आरोप है कि जम्मू कश्मीर की हरियाली को जिस तरह से काटकर पंजाब का तस्कर पंजाब में इस लकड़ को ले जा रहा है और साथ में स्थानीय लोगों की मिलीभगत से ये सारा काम जो हो रहा है, इस पर शिकंजा कसना चाहिए। हालांकि तस्वीरें सामने जुड़ आई हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमने स्थानीय लोगों से भी बात करी है, लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। और इस मौके पर वन विभाग से आई टीम ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको ये तस्वीरें जिस पर ये कार्रवाई हुई है, और सबसे बड़ी कार्रवाई आज की स्थिति में हुई है, आज बुधवार के दिन हुई है। और ये खबर दिखाने के बाद सबका जम्मू कश्मीर ने आपको दो दिन पहले खबर दिखाई थी, जिसके बाद दोनों विभाग सतर्क हुए, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन व वन विभाग की टीम भी सतर्क हुई और लगातार कार्रवाई की और अपना कार्रवा बढ़ाती गई। तो देखिए इन तस्वीरों को, लगातार जिन पर कार्रवाई करते हुए शिकंजा कसा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये कटाई की हुई है और जिन लकड़ तस्करों ने तस्करी करने का प्रयास किया वो वहां से फरार है, क्योंकि इससे पहले खोखियाल में जो कार्रवाई चल रही थी उसकी सूचना खोखियाल के दूसरे हिस्से में जब पहुंची तो जाहिर सी बात है कि तस्कर मौका पाने में फरार हो गए और इन कटी हुई लकड़ों को जहां छोड़कर जहां से भागने का काम किया। तो आप देख सकते हैं कि वन विभाग की टीम व पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ वहां पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए। लगातार तस्वीरें आपके समक्ष हैं, आइए दिखाते हैं आगे क्या कुछ हुआ और क्या कुछ नहीं। मेरा नाम मनोज कुमार है। पूछो ना सर, ये खख्याल दे लोकल हैं सर। दिखाया गया था कि लगातार लकड़ी चोरियां करा रहे हैं जी। खख्याल की ट्राली फूट रही है, पहले भी पहाड़ फूट दो फूट रही है, तो बाद ट्रक फूट रहा है रायबाग जी जी। तभी फारस ने अपनी कार्रवाई की, ये गलत लगे इस बारे में जी जी। गलत हो रहा है, लोकल लकड़ी है, ग्राइंड नहीं पूरी हो रही है, तो जी बाहर पंजाब भेजी होनी, सू नुकसान है।
मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक गल आखना चाहना कि सानू भी अपना नंबर दे दें तो मैं लोगों के भी अपील करगा कि इनकी मदद करो पिंडा लकड़ी बहर नहीं जा नुकसान है जनाब इतने जे एंड के इन सा ड्यूटी पूरी होगा तो बहुत भेजिए कुछ लैनी अच्छी कुछ सू कल की जरूरत पौधी अं कुछ लैनी लकड़ी ਕੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਇਸ ਕਰ ਮਤਲਬ ਸਾਲਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਪੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ ਐਸਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਲੱਕੜੀ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਲੱਕੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਆ ਰਹੀ ਕਠੂਆ ਹੋਈ ਆ ਨਗਰੀ ਹੋਈ ਆ ਖੁਖਿਆਲ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਲੱਕੜੀ ਬਿਲਕੁਲ तस्करी है लकड़ी की यहाँ पर किसके पंजाब की ओर ले जा रही है किस तरह देखते हैं सर लकड़ी पंजाब की ओर तो जा रही है जे सारे लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं सबको पता है कि लकड़ी दिन रात जो है ये पंजाब अपने जम्मू कश्मीर से कटाई होकर पंजाब की तरफ जा रही है जे दो तीन साल से जब से ड्यूटी बनी हुई है जो साड़ी स्टेट तोड़ी ड्यूटी बना दी नैक्सस इतना ज़्यादा फैली गया है कि साढ़े इतों का जोड़ा भी जड़ी भी सू सौगात मिलती ही जम्मू के लोगों की नैचुरल क्लाइमेट की नैचुरल चीज़ें दी वो हर चीज़ इतों लुटी है पंजाब से लेके आ रहे बाहर लेके आ रहे और साढ़े लोग आने वाले टाइम तुम लकड़ी के लकड़ी की गलती आई ना लकड़ी तो हूँ शुरू हुई है ज़्यादा मात्रा च उस को पहले तुम दिखो रेत दिख लो क्रैशर स्टोन क्रैशर इन्ने ज़्यादा होइए ना सारा मटीरियल चुकोई है इतों पंजाब से जाया करता है और साढ़े जेडे जम्मू के लोग रहने वाले हैं साढ़े बॉर्डर के लोग रहने वाले हैं इतों इन्हें मटीरियल लैना वो इन्ना महंगा मिलता है पहली गल तो ट्राली देंदे नहीं है नहीं वो क्योंकि ना उन्हें बाहर जरा बाहर माल जा रहा उन्हें महंगा देंगे और साढ़े लोगों ये इन्हें थोड़ा हिसाबा देना पड़ता क्योंकि लोकल लोग अटैच ने तो फिर ये ना ही करते साढ़े को माल ही नहीं है तो इो जी अगे जे जो इंडस्ट्रियां लगी दी इतना आर आस साह मिल लगी दी उन्दे पास भी ये मुश्किल आया करती कि लोग जोड़े है उन्हें माल ही नहीं दे करते हैं माल देन की है बाहर लोग आए करते हैं उन्हें पंजाब के लोग पंजाब के ठेकेदार पइए देने वो जी लकड़ी एक हज़ार रुपये का एक पेड़ है वो उन्हें दो दो हज़ार रुपया ऑफर करे करते तो उन्हें दे करते उन्हें पैसे ज़्यादा मिले करते दे करते लेकिन आने वाले टाइम च उन्हें लोगों भी लकड़ी नहीं मिलनी है विभाग जरा फॉरेस्ट विभाग है तो पुलिस का रवैया कि लिया पुलिस का रवैया एक दो दिन का दो चौं दिन का बड़ा अच्छी कार्रवाई करे करते हैं मैं सुनया भाई ट्रालियाँ अज भी कोई भाड़पुर दो ट्रालियाँ पुलिस ने पकड़िया ने और मैं थैंक यू आखना चाहना पूरी पुलिस टीम की जिन्होंने यह काम किया है और साढ़े एस पी साहब जो कठुए के उनका भी थैंक यू करना कि भाई जनाब के जेडे उन्होंने ड्यूटियां लाइया अगर बंदे किते ने उन्हें गड्डिया फड़िया ने सर पूरे बहुत 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 ज़्यादा खतरा है देखो तुम पिछले दिन करोना हाँ करोना के भी दौरान जड़िया ही हवा उस टाइम गड्डिया गुड्डिया बंद रही प्रदूषण मतलब कि मौसम च क्लाइमेट फर्क पई दा जे इस चाली कटाई चलती रही अवैध और बहुत ज़्यादा मात्रा चलती रही तो मी लगता भाई सह लैना मुश्किल हो जाना है जी दिल्ली से साफ दिल्ली दिखो तो कि प्रदूषण है साढ़े इलाके भी इन्ना प्रदूषण हो जाना कटाई अगर दो चार पेड़ कटोए करते तो सत्त अठ लगने भी चाहिए कन्नै ये तो इनकी पॉलिसी है अपनी जेडे साढ़े फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की आखते भी चार पाँच बूटे बढ़ो अठ दस बारह लाओ भी एक बूटे बढ़ दो चार लाओ लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि पंजाबी ने कह लाने बूटे इतना ही है हूँ आखना साफ करो इसी एरिए पैसे के चक्कर ना वो इस चक्कर ही नहीं है कि भाई इतना बूटे चार लगन इन लोगों का अगर की बनना कह नहीं बनना अहित तो सारे राइट गल है कि हवा जिंदगी जीने वास्तव नैचुरल चीज़ा जड़िया साड़ी हवो हवा पानी है ये शुद्ध होनी चाहिए ये शुद्ध शुद्ध रही नहीं तो ये दिखो इतना खाला क्रैश साढ़े उज दरिया चली जाओ तीन 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 फुट चुकना इन्हें हों कि त्रै त्रै फुट तुम चुकी सकते हो मटीरियल ए चलिए भी फुट तीह तीह मीटर थे चली गए उतो वाटर लैवल सा लग इन्ना डोन हो जाएगा कि इतना अच्छा नलके पानी नहीं आता है और यह मिली भगत कुंदी है क्या एडमिनिस्ट्रेशन दिखे करती है भाई मालको ज्यादा किन्ना माल कुथों किन्ना माल पटोया करता हर जगह चोरी हो रही हर इतना यह साढ़े लोगों की तबाही पुटी है जो ड्यूटी बनी दी है अहें तो चाहते हैं कि भाई महाराज स्टेट बननी चाहिए इन्नी गल अगर साड़ी पब्लिक की सहयोग चाहिए अं करे करने अं तो हर इलाके जाइए सहयोग करे करने भी दिखे करने अगर कोई गलत इलीगल करे करता कोई भी काम तो कटाई करे करता अं तो जनाब के नोटिस लियाने फॉरेस्ट आने फोन करने सुनाने उन्हें भी सुना गलत हो रहा साड़ी आरा एसोसिएशन यूनियन जी पेदी है ओनर यूनियन पेदी है वो हर जगह बॉर्डर पर काम करे करती है नमस्कार मैं हूँ राजकुमार आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीरी जहाँ आपको बता दें कि लगातार लकड़ चोरों पर जिस तरह से फॉरेस्ट विभाग
लगातार दो दिन से कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, दो दिन पहले सैदपुर मोड़ पर एक गाड़ी पकड़ी गई थी 9:30 बजे के करीब, जिसके बाद जो फॉरेस्ट विभाग है वो लगातार सतर्क दिख रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय ख्याल में पहुंचे हैं जहां से ये गाड़ी कुछ पेड़ काट कर निकल रही है। इस पर कार्रवाई करने के लिए खुद फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे हैं और अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि आरा एसोसिएशन के जो सदस्य थे उन्होंने पहल की, उसके बाद पुलिस भी सतर्क में आई है और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी भी सतर्क में आए हैं और लगातार कार्रवाई जारी है। आज आपको बता दूं कि ये दूसरा मामला है, इससे पहले पहाड़पुर में भी दो गाड़ियां पकड़ी गई हैं, दो ट्राली पकड़ी गई हैं, एक ट्रक पकड़ा गया है रायबा पुलिस की तरफ से। ये चौथी गाड़ी है जो आज फॉरेस्ट विभाग से पकड़ी गई है और ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इन चोरियों को रोका जाए, जो लकड़ चोर है जो चोरी कर गाड़ी पकड़ी थी। हाँ जी, उसके बाद फॉरेस्ट विभाग जो है वो सतर्क दिख रहा है। आज फिर दो गाड़ियां पकड़ी हैं, दो गाड़ियां पहाड़पुर में पकड़ी है, एक जहां पर पकड़ी है, एक ट्रक पकड़ा सुना गया कि रायबा पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई है। जी जी, तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो पहले से ही सतर्क है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे पंजाब के लिए जो रूट्स हैं वो कई रूट्स, जहाँ से मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे रूट्स हैं, हमारी दो ही चेक पोस्ट है जहाँ पे हैं, बाकी कोई चेक पोस्ट नहीं है। तो जो पहले रात को लेते थे, दो नंबर का बहाना बना देते हैं कि हम फलाने आरे पे जा रहे हैं, तो कई बार ये लंबरदार का वो परमिट जो है, जो एग्जेम्प्टेड स्पीसीज हैं, वो भी टीपी जो उन्होंने साथ ली होती थी तो वहाँ तक जाते थे, तो उसके आगे उसका मिसयूज़ करके पंजाब को ले जाते थे। जैसा कि परसों हमने जो गाड़ी पकड़ी उसमें ऐसा ही केस देखने को मिला है। लेकिन आप ये देखिए, दिन दिहाड़े भी ये लेके जा रहे हैं। अभी हमने जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था इससे पूछा तो इसके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था, तो ये कह रहा है कि फलाने बंदे कोई किसी का नाम ले रहा है, तो मतलब अब इसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये ट्राली अभी सीज है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है, मैं देखा कि फॉरेस्ट विभाग को भी एक कहने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपने उसने भी बोला था कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, बिल्कुल, तो क्या अधिकारी वो कहना चाहेंगे, क्योंकि ऊपर भी बैठे अधिकारी देख रहे हैं, अगर इस तरह की चोरियाँ होती हैं आप भी रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन कर्मचारी ना होने की वजह से भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? तो इसमें मेरा यही लोगों से अपील रहेगी, जो जहाँ के स्थानीय लोग हैं, जहाँ PRI मेंबर्स हैं, जब सरपंचीज हैं, जो भी जहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे, तो कम से कम अभी ऐसा नहीं है कि नहीं है आज जो गाड़ी है, ये भी हमें अपने जो जहाँ के रिलायबल सोर्सेज हैं लोकल्स ने ही इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो PRI है, ये इनका भी फ़र्ज बनता है कि ये भी मतलब ऐसी लकड़ी पे रोकथाम लगाएं, और अगर इनके बाहर बात हो जाए तो हमें इन्फॉर्मेशन दें, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे जैसे कर रहे हैं। आगे किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि आज लगातार दो तीन दिन से देखा जा रहा है कि फॉरेस्ट विभाग भी सतर्क हुआ है, पुलिस विभाग भी सतर्क हुआ है, तो आगे किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? आज दो गाड़ियां पुलिस वालों ने भी रायबाग पुलिस स्टेशन में पकड़ी हुई है, तो वो भी उन्होंने कोटपुन्नू स्टेशन लिखा था डेस्टिनेशन, जब पता किया कि आरे पे जा रहे हैं तो आरे वाले ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास कोई भी लकड़ी आज आने वाली ना, मेरे से कोई बात हुई है, तो अंडरस्टूड है कि ये जो लकड़ी है ये पंजाब के लिए ही जा रही है, और कोटपुन्नू स्टेशन लिखा हुआ है वो लंबरदार को कभी पावर का मिसयूज़ हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो उसने वेरीफाई नहीं किया होगा डेस्टिनेशन के उस वहाँ पे लकड़ी जा रही है या नहीं जा रही है, तो जैसे जो पकड़ी गई है लकड़ी और अलॉन्ग विद जो व्हीकल ये अभी सीज की है और कार्रवाई हमारी चल रही है, कन्फिस्केट हो जाएंगी, जो भी फर्दर एक्शन होगी वो डिपार्टमेंट के होगी। ये थे फॉरेस्ट विभाग के रेंजर साहब, जिन्होंने साफ कर दिया कि आगे से इससे भी बड़ी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। हालांकि लोगों का सहयोग भी इनको मिल रहा है, खुद बोला कि स्थानीय लोग भी इनका सहयोग कर रहे हैं, तो सहयोग चलेगा तो ही आगे कार्रवाई बढ़ेगा। तो इसी के साथ, जिस तरह से लकड़ चोर लकड़ी चोरी कर रहे हैं उसे रोकना होगा, क्योंकि पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है आम लोगों को, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस आया था उसके बाद सांस लेना मुश्किल हो गया था लोगों के लिए, इसी को लेकर अगर लोग भी अवेयर रहें तो ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर, लगातार देखते रहिए सबका जम्मू कश्मीर। जय हिंद, जय भारत।